मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव जी द्वारा लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। उसी प्रकार 1 जनवरी 2024 से आप सभी के लिए मध्य प्रदेश में योजनाओं में काफ़ी बड़े बदलाव प्राप्त होने वाले हैं। जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि कौन सी योजना होगी बंद और कौन सी रहेगी चालू, इस प्रकार की बड़ी अपडेट हाल ही में सामने आ चुकी है जो कि 1 जनवरी से लागू होने वाली है। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार ऐसी ही अपडेट आप सभी तक साझा करते हैं। तो आप सभी के लिए 1 जनवरी से लागू होने वाले बड़े नियम और होने वाले बड़े ऐलानों से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया साल आते ही नई योजनाओं को चलाया जाता है एवं पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, ऐसी खबर आप सभी को पता है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से किन योजनाओं को किया जाएगा बंद और कौन सी योजनाएं चालू रहेंगी, इसकी पूरी अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। यदि हम पहली योजना की बात करें तो लाडली बहना योजना है, जो कि सभी को खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि यह बंद होने वाली है। हाल ही में आए अपडेट के मुताबिक इस योजना को बंद करने के बारे में कहा गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह महिलाओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजना है जो कि बंद नहीं होने वाली है। तो आप सभी महिलाओं के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह योजना लगातार 5 वर्षों के लिए चलने वाली है, इसका ऐलान हाल ही में हो चुका है। तो आप सभी के लिए इस योजना से लगातार लाभ मिलता रहेगा, यह योजना आपको लाभ देने वाली है। इसके बाद हम आवास योजना के तहत बात करें तो आपको बता दें कि जिन महिलाओं को किसी भी अन्य आवास योजना जैसे पीएम आवास योजना, जन आवास योजना से लाभ नहीं मिल पाया है, उनको लाडली बहना आवास योजना से लाभ प्राप्त होने वाला है, जिसकी सहायता से वह किस्त का पैसा प्राप्त करते हुए अपना पक्का घर तैयार कर पाएंगी। आपको पता है कि हमने यहाँ पर 2 ऐलान के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम तीसरे ऐलान की बात करें तो छात्रों के लिए योजनाओं को लेकर क्या नया निर्णय आया है, इसकी भी अपडेट काफ़ी आवश्यक है। आपको बता दें कि छात्रों के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना, लैपटॉप योजना एवं स्कूटी योजना जैसी योजनाएं लगातार चलने वाली हैं, तो इन सभी योजनाओं से भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसके बाद चौथे ऐलान के रूप में किसानों के लिए योजना की बात कही गई है, जिसमें किसान कल्याण योजना एवं किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को पैसा दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह योजनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं और यह योजनाएं लगातार चलने वाली हैं। इस प्रकार से इन चारों योजनाओं को लगातार चलाया जाएगा। इसके बाद हम 5वीं योजना के बारे में बात करें तो गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजना जैसे आयुष्मान भारत योजना, जन आवास योजना, राशन कार्ड योजना इत्यादि लगातार चलने वाली हैं। इस प्रकार से आप सभी के लिए साल 2024 में सभी योजनाओं से लगातार लाभ मिलने वाला है, तो आपके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए केवल ऐसी ही अपडेट लगातार जांचना है जिसमें आपके लिए कौन सी योजना कब कैसे लाभ प्रदान कर रही है, इसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो हम आपके लिए लगातार ऐसी ही खबरें लाते रहते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए सबसे पहले ऐसी ही अपडेट प्राप्त होगी। धन्यवाद।